नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस सा। भारत आ चीन में प्रधानमंत्री के विशेष मुलाकात के सरकारक निर्णय। आप हफ्ता में 48.5 घंटा लोड शेडिंग है। आ 43 शहर लोको में रह चिकित्सक द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा संगे सहयोगक लेल अपील। आप समाचार विस्तार सा। सरकार दक्षिणी पड़ोसी भारत आ उत्तरी पड़ोसी चीन में प्रधानमंत्री के विशेष दूत पठाब के निर्णय कलक। मंत्री परिषदक बृहस्पति दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार से सरकार परिवर्तन बादक स्थितिक संबंध में जानकारी कराव तथा दोनों देश संघक संबंध सुधारक लेल कहते प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में दूटा उप प्रधानमंत्री के भारत आ चीन पठाब के निर्णय कलक। मंत्री परिषदक निर्णय अनुसार उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री निधि भारत जेता तो दोसर उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री कृष्ण बहादुर महाड़ा चीन पहुंचकर नेपाल के राजनीतिक अवस्था के विषय में ब्रीफिंग करता है। मंत्री परिषदक निर्णय अनुसार अपने जल्दी पड़ोसी देशक भ्रमण में जेबाक उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री महाड़ा संचार कर्मी सबके जानकारी कराने। मंत्री परिषदक विस्तार से कालाबाजारी महंगी आ मिसावट के माध्यम से उपभोक्ता सबके ठग करा रूप में प्रस्तुत गृह आपूर्ति आ वाणिज्य मंत्रालय के निर्देशन दिलक। मंत्री परिषद बिना कारण महंगी बढ़ौने कहते प्रभावकारी अनुगमन क दोषी के कार्रवाई के दायरा में लाव तथा उपभोक्ता के राहत के अनुभूति दियाबक लेल 3 मंत्रालय निर्देशन देने। मंत्री परिषद कालाबाजारी आ महंगी नियंत्रण के लिए कानून में कमजोरी भेल त संशोधन के प्रक्रिया आगू बढ़ाव कानून मंत्रालय के सेहो निर्देशन दिलक। व्यापारी सब खास क दैनिक उपभोग्य वस्तु के भाव बढ़ेलाक बाद तथा पानी मिठाई लगातक वस्तु में जीवाणु फैला पड़लाक बाद मंत्री सब बाजार में हस्तक्षेप के लिए अपन संरचना सब के परिचालन करवाक निर्णय कलक। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवा देने अभिव्यक्ति के कारण राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठन हुब नहीं सकल। एमालेक नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल बतौने। रोहतर क्षेत्र नंबर 1 में संसदीय विकास कोष के रकम निर्माण भेल विभिन्न योजना के अनुगमन पश्चात प्रेस चौतारी नेपाल द्वारा गौर नर्सिंग कैंपस में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ उक्त बात बतौलन। पत्रकार सम्मेलन में भजित नेता नेपाल विगत के सरकार में सेहो कांग्रेस सहभागी होबाक चाही आ वर्तमान सरकार में सेहो एमाले सहभागी होबाक चाही मुदा राष्ट्रीय सहमति के सरकार बनाब परामर्श भ रहल समय अचानक नेकपा माओवादी केन्द्र जल्दी जल्दी अविश्वासक प्रस्ताव लाइव कऽ पैघ गलती केने बतौलन। जावेधर देवा अपन अभिव्यक्ति फिरता नहीं लेत ताब तक कोनो हालत में एमाले सरकार में नहीं जायत हुनक कहब छल। संक्रमण काल में सब सहभागी भ कऽ संविधान में देखल गेल त्रुटि हटाब पर सेहो ओ जोर देने छथि। नेपालक पुनर्निर्माण में पैघ सहयोग करे तैयार पड़ोसी राष्ट्र चीन थप सहयोग कर तैयार रहल बतौलक। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्वाली संघक भेंट में चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी के अध्यक्ष जी झोई नेपाल के पुनर्निर्माण में थप सहयोग कर चीन तैयार रहल जानकारी देने। झोजी नेतृत्व के टोली बुधक सांस सिंहदरबार स्थित प्राधिकरण के कार्यालय में पहुँच कर सीईओ ग्वाली संघे भेंटघाट केने छल। भेंट क्रम में चीनिया टोली चीन सरकार उपलब्ध कराने सहयोग से पुनर्निर्माण हेत आलोचना सब संबंध में चायक व्यक्त केने छल। नेपाल के पुनर्निर्माणक लेल चीन करीब 50 अरब रुपया उपलब्ध कराने अछि। चीनिया सहयोग में रसुआ शैफ्रवेसी सड़क विद्यालय अस्पताल स्मार्ट विलेज प्राकृतिक संपदा लगात बनाब के तैयारी भ गेल अछि। चीनिया टोली सरकार निजी क्षेत्र आ जनता के सामूहिक प्रयास से पुनर्निर्माण के काज सब आगू बढ़ सकत स्रोत के कमी होब नहीं देव चीन सरकार थप सहयोग कर तैयार रहल बतौने छल। साउन 10 गते के नेपाल बंद क्रम में राजधानी के मेन भवन में टैक्सी में आगजनी के आरोप में पकड़ाव पड़ल निकप्पा माओवादी विप्लव समूह के 2 गोटे नेता 15 दिन के बाद रिहा भेल छथि। अखिल नेपाल क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन महासंघक सचिव भानुभक्त आचार्य आ माओवादी काठमांडू जिला कमिटी के अध्यक्ष सदस्य नवीन बिष्ट के काठमांडू जिला अदालत धरौटी में रिहा कलक। जिला अदालत काठमांडू ओकरा सबके जनही 50,000 धरोटी में रिहा करक आदेश देने क्रांतिकारी पत्रकार संगठन के उपत्यका विशेष ब्यूरो संयोजक जन्मदेव
जैसी जानकारी देने छे थे। अब इकोनॉमिक न्यूज। मेगा बैंक के आय से 25% हक प्रद शेयर बिक्री खुला भेले छे। भादव 29 गते धर लगानीकर्ता हक प्रद शेयर के लेल आवेदन देने देव सकत। 81,01,400 हक प्रद बिक्री खुला भेल। मेगा बैंक जनकपुरक शाखा प्रबंधक गलेक कुमार यादव जनौलन हक प्रद शेयर बिक्री प्रबंधक के रूप में ग्लोबल IME कैपिटल रहल अछि। भादव 29 गते धर शेयर खरीदवा होल्ड केने लगानीकर्ता बिक्री प्रबंधक के जमल शाखा आ मेगा बैंकक विभिन्न शाखा कार्यालय सबसँ आवेदन देव सकत। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोड सेडिङ घटौलक अछि। आइसँ लागू होबयका विद्युत प्राधिकरण प्रकाशन केने तालिका अनुसार आब हप्तामे 48 घण्टा मात्र लोड सेडिङ होयत। एहिसँ पहिने हप्तामे 63 घण्टा लोड सेडिङ होइत आयल छल। नया तालिका अनुसार एक दिन 6 घण्टा, एक दिन 7 घण्टा, 3 दिन 6.5 घण्टा, 2 दिन 8 घण्टा लोड सेडिङ होयत। प्राधिकरण ढल्केवर लगायत पूर्व तथा कोहलपुर लगायत के पश्चिम क्षेत्र के हक में स्थानीय रूप में लोड सेडिङ सूचना बाद प्रकाशित करत कक लागू करत जनौने अछि। तहिना औद्योगिक क्षेत्र में साँझ 6 बजे दिस राति 11 बजे धरि लोड सेडिङ होयत प्राधिकरण उल्लेख केलक अछि। सुर्खेत में बस दुर्घटना भेला सँ 32 गोटे घायल भेले। घायल में सँ 4 गोटे के अवस्था गंभीर रहल बुझल गेल अछि। सुर्खेत के लेख गाम सँ बीरन नगर जा रहल N4-55-69 नंबर के बस कपासी बैरक लग उनटला सँ दुर्घटना भेल। पुलिस जनौलक अछि घायल में सँ मध्य पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल आ माय नर्सिंग होम सुर्खेत में इलाज भ रहल अछि। दुर्घटना कारण खोज नहि सकल पुलिस के कहब अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत सरकार प्रसूत विदा के समय बढ़ाकर अब 6 महीना केलक अछि। भारत सरकार हाल धरि 3 महीना धरि दैत आयल प्रसूत विदा के बढ़ाकर 6 महीना पहुँचौने अछि। भारत सरकार धर्मपुत्र आ धर्मपुत्री बनाब बच्चा लेबऽ वाला महिला के सेहो 3 महीना छुट्टी देव के निर्णय केने भारतीय संचार माध्यम सब में उल्लेख अछि। विदा भेट के अवधि में महिला कर्मचारी कंपनी सँ पाबऽ वाला सब सुख सुविधा सब पाओत। भारत के सरकारी रेडियो ऑल इंडिया के अनुसार दू संतान के लेल 26 हफ्ता छुट्टी आ तेसर वा ओहि से बेसी संतान भेल त 12 हफ्ता मात्र छुट्टी पाओत। सरकार बढ़ौने विदा के ई अवधि 18 लाख कामकाजी महिला लाभान्वित होत खबर में उल्लेख अछि। सियाली शहर एलोपो में रहल चिकित्सक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा संगे सहयोगक लेल अपील केलक अछि। एलोपो में रहल 29 गोटे फिजिशियन राष्ट्रपति ओबामा के पत्र लिख कर सहयोगक लेल अपील केने अछि। ओ सब एलोपो में रहल 2,50,000 नागरिक के लेल सहयोग के व्यवस्था कऽ देब आग्रह केने छल। एखन स्वास्थ्य सेवा प्रदायक पर आक्रमण भ रहल आ इएह दौर में आक्रमण भेल आब के 1 महीना भीतर एलोपो में केओ सेहो चिकित्सक बाकी नहि रहत पत्र में उल्लेख अछि। चिकित्सक सब राष्ट्रपति ओबामा संगे एलोपो के नो फ्लाई जोन घोषणा कऽ कऽ हवाई आक्रमण रोक के आग्रह सेहो केने छल। एहि बीच रूस बृहस्पति दिन सँ एलोपो में 3 घंटा आक्रमण बंद करबाक बतौलक अछि। ओ समय में राहत सामग्री जा देब के रूसक कहब अछि। बेस तऽ अपने न्यूज अखन के लेल एतबा पल पल खबर। तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।